कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी के सब बहुत बढ़िया और बिंदास होंगे। देखो, कुछ मूवीज को देख के ऐसा लगता है कि क्या इसका सीक्वल बनना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली हमें उन मूवीज के सीक्वल देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सुपर डुपर हिट होती है और लोगों को कहीं ना कहीं उसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। बट क्या बाकी का लोगों को सच में बेसब्री से इंतजार होता है, या इस मूवी ने कुछ बहुत बड़ा कलेक्शन किया है, या कोई ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही है? मुझे नहीं पता कि बागी के सीक्वल कैसे बन रहे हैं और क्यों बनाए जा रहे हैं। मैंने बागी का पार्ट वन तो नहीं देखा, बट पार्ट टू जब मैंने देखा था तो मैंने कहा कुछ ज्यादा ही हो गया। और आज जब मैंने इसका पार्ट थ्री देखा तो सच में भयंकर, कुछ भयंकर ही हो गया, कुछ सच में बहुत ही ज्यादा हो चुका है। मीन्स पार्ट टू अगर आपने किसी ने देखी होगी तो उसमें एक सीन है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से एक फायरिंग हो रही होती है और टाइगर श्रॉफ भाग रहे होते हैं और गोली से बच रहे होते हैं, वो भी कुछ एक्सट्रीम दिखा दिया उन्होंने। बट बागी थ्री में तो कुछ ज्यादा ही अल्टीमेट हो गया। मीन्स यहाँ पे एक सीन है कि तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पे आते हैं और टाइगर श्रॉफ बीच में फंसे हैं, वहां से फायरिंग भी हो रही है, बट टाइगर श्रॉफ जो कि एक्शन के लिए जाने जाते हैं वो कुछ ऐसे एक्शन से अपने सीन्स करते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं जंप मार के और ऐसी फाइटिंग करते हैं कि बिना हथियार के, और उनके साथ कोई भी नहीं होता, बिना हथियार के वो अकेले ही, वो जो वन मैन आर्मी वाला सीन है ना वो यहाँ पे भी लागू होता है, और बिना हथियार के वो जो तीनों को तीनों हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। और इस बार हेलीकॉप्टर ही नहीं, यहाँ पे इस बार तोप की मशीन्स भी आई हैं, उनको भी इन्होंने यहाँ पे उड़ा दिया है। मीन्स यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम दिखा दिया है। तो चलिए अब इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात कर लेते हैं। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो मूवी जो है यहाँ पे ट्रेलर से बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं होने वाली। जो चीज़ आपने ट्रेलर में देख के जितनी समझी है वही चीज मूवी में दिखने वाली है। मीन्स यहाँ पे कुछ भी सस्पेंस नहीं है, जैसी मूवी सिंपल प्लेन चल रही होती है आपको समझ में आ जाएगा खुद मूवी देखते हुए कि अगली चीज क्या होने वाली है। तो इतनी सिंपल तरीके से जो मूवी बनाई गई है। तो चलिए यहाँ पे आप एक्टिंग को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीन एक्टर जो लीड प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख। तो रितेश देशमुख जो है यहाँ पे टाइगर श्रॉफ के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने जो इस बार कैरेक्टर पकड़ा हुआ है डरा हुआ सहमा हुआ कैरेक्टर है। मीन्स वो वहाँ पे डरे हुए दिखते हैं, डरपोक किस्म का कैरेक्टर उनका है और उन्होंने जो है बहुत बखूबी से उसको प्ले भी कराया। मीन्स रितेश देशमुख सच में एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, वो कुछ भी पकड़ते हैं बहुत, उसको बहुत अच्छे से प्ले भी करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस कैरेक्टर को भी बहुत जस्टिस दिया है। अब बात श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेकर करते हैं, तो उनका कुछ जो यहाँ पे किरदार है वो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मूवी जो है कहीं ना कहीं जो है टाइगर श्रॉफ और रितेश देशमुख के बीच ही घूमती है। तो उन्होंने जितना भी यहाँ पे रोल प्ले करा है, जो भी उन्होंने एक्टिंग करी वो उन्होंने अच्छी करी है। अब बात करते हैं मेन लीड जो कि टाइगर श्रॉफ है, तो मुझे लगता है टाइम के साथ उनकी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हो रही है और उन्होंने इस मूवी में बहुत अच्छा काम करा है। कहीं ना कहीं अभी वो जो इमोशनल सीन्स होते हैं वहाँ पे थोड़े वीक नजर आते हैं, बट जहाँ पे बात एक्शन सीन्स की आती है वहाँ पे मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अभी टाइगर श्रॉफ से बेटर एक्टर कोई देखने को नहीं मिल सकता। उनके फाइट सीन्स बहुत ही जबरदस्त होते हैं और मूवी में अगर कोई बागी देखने जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है फाइट सीन्स और एक्शन सीन्स की वजह से ही जा रहा है, और वो उन्होंने बहुत बखूबी से बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले करा। म्यूजिक को लेकर अगर बात करें तो मूवी में दो गाने हैं और दोनों को दोनों बहुत अच्छे से प्लेस करे गए हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि मूवी से आउट ऑफ ट्रैक ये दोनों गाने जा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन कि इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखिए, अगर आपने बागी वन बागी टू देखी और आपको वो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी भी देखनी चाहिए। आपको ये मूवी देख के मीन आपको इस मूवी में मजा आएगा, इसमें काफी सारे एक्शन सीन्स हैं और आपको टाइगर श्रॉफ के अगर एक्शन फाइट सीन्स देखने में मजा आता है तो आप जाइए, आप इस मूवी को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि इसमें कुछ बहुत अलग स्टोरी देखने को मिलेगी या कुछ हटके होगा इस मूवी में, तो मैं कहूंगा तब ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपने अगर ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।